हाँ तो गुरु लोग, फाइनली मैंने अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई सीरीज दहाड़ को देख लिया है। इस सीरीज में देखने के लिए हमें टोटल 8 एपिसोड मिलते हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे की है, जिसे देखने के लिए आपको अपना अच्छा खासा टाइम देना होगा। पर बात अब ये निकल के आती है, क्या आप लोगों को अपना कीमती टाइम इस सीरीज को देना चाहिए या नहीं। ये जानने के लिए आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिए और खुद डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को ये सीरीज देखनी है या नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये सीरीज के स्टार्टिंग के 2 एपिसोड काफी ज्यादा स्लो लगी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही इसका पेस भी बढ़ता जाता है और स्टोरी भी आपको हुक करती चली जाती है। हर एक एपिसोड के एंड तक आप लोगों को यही जानने का मन होगा कि आगे के एपिसोड में हमें क्या देखने के लिए और मिलेगा। सीरीज में हमें देखने के लिए टोटल 3 कैरेक्टर मिलते हैं और स्टोरी का सारा फोकस उन्हीं पर किया गया है, जो कि है सोनाक्षी सिन्हा, विजय वर्मा और गुलशन देवैया। अगर इनके कैरेक्टर की बात करूँ तो गुलशन देवैया इस सीरीज में कॉप है, सोनाक्षी सिन्हा उनकी जूनियर कॉप का रोल निभा रही है और इस सीरीज के मेन स्टार विजय वर्मा है। और अगर उनके रोल की बात करूँ तो वो इस सीरीज में एक हिंदी प्रोफेसर का रोल निभा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस आदमी होते हैं पर कोई नहीं जानता कि वो एक साइको किलर हैं। तीनों ही एक्टर्स ने काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, पर सोनाक्षी सिन्हा ने कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा ही परफॉर्मेंस दे दिया है। खैर, इन सब चीजों से हट कर आते हैं इस बात पर कि क्या आप लोग ये सीरीज अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। अगर आप अपने पार्टनर, अपने दोस्तों के साथ बैठ कर ये सीरीज देखना चाहते हो तो आप लोग उनके साथ बैठ कर एंजॉय कर सकते हो, और वहीं पर अगर आप लोग ये सीरीज अपने पेरेंट्स या बच्चों के साथ बैठ कर देखते हो तो आपके लिए ये थोड़ा बहुत ऑकवर्ड भी फील करा सकता है। वैसे तो हमें इस सीरीज में देखने के लिए बहुत ज्यादा इंटीमेट सीन तो नहीं मिलते हैं, पर कई कई जगहों पर इस सीरीज की स्टोरी काफी ही ज्यादा डार्क हो जाती है। वैसे तो इस सीरीज में कोई भी काफी ज्यादा ब्रूटल सीन नहीं है, पर एक साइको किलर की स्टोरी के साथ साथ हमें इस सीरीज में देखने के लिए हिंदू मुस्लिम, जाति मतभेद, अपने फायदे के लिए एक दूसरे को गलत साबित करना, यह सब भी देखने को मिलता है। ओके, इन सब चीजों से हटकर अगर बात करें इसकी स्टोरी की तो बहुत ज्यादा कुछ स्पॉइल ना किए हुए मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी स्टार्ट होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां के कॉप होते हैं गुलशन देवैया और सोनाक्षी सिन्हा उनकी जूनियर होती हैं। और इस सीरीज में दिखाया गया कि गुलशन देवैया का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, जो कि जस्टिस में बिलीव करता है और कई बार वो खुद लॉ को ब्रेक करता है ताकि किसी बेगुनाह को सजा न मिल जाए, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा भी उनका साथ देती है। यहीं पर इनके पास एक केस आता है एक मिसिंग लड़की का, और जब वो लोग डीप में जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है सेम पैटर्न में और भी लड़कियां मिसिंग हैं, जो कि अलग अलग जिले से हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें उनकी लाशें भी मिलना स्टार्ट हो जाती हैं और ऐसे ही बहुत सारे ट्विस्ट, टर्न और सस्पेंस के साथ कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जब उनकी नजर में आता है विजय वर्मा का कैरेक्टर। और भाई, ये आदमी बहुत ही ज्यादा सातिर होता है। दुनिया वालों की नजर में एक प्रोफेसर होता है, एक अच्छा फादर होता है, एक अच्छा हस्बैंड होता है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि इस बंदे ने टोटल 29 लड़कियों का खून किया है। ये राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से उन लड़कियों को फंसाता है जिनकी शादी नहीं हो पा रही और जो कि छोटे कास्ट से बिलोंग करती हैं, और उन्हें अपने साथ ले जाकर उनको साइनाइड खिलाकर मार देता है। वो ऐसा क्यों और किस लिए करता है, वो सब आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर बात करूं इसकी एंडिंग की तो इस सीरीज की एंडिंग मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। मैं इसकी एंडिंग से थोड़ा और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, पर जो है वो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे देखेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक दहाड़ नहीं देखा तो मैं आप लोगों को 3 रीजन देता हूं कि क्यों आप लोगों को ये सीरीज देखनी चाहिए। नंबर 1, इसकी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है, जिसमें आपको देखने के लिए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ साथ सस्पेंस भी मिलेगा। नंबर 2, एक्टर्स की परफॉर्मेंस, स्पेशली विजय वर्मा की परफॉर्मेंस आपका दिल छू लेगी। नंबर 3, यार एक साइको किलर की कहानी है और इंडिया में साइको किलर की कहानी पर ज्यादा मूवीज या सीरीज नहीं बनती है, और इसकी स्टोरी भी तो काफी ज्यादा अच्छी है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने ये सीरीज देखा है आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लाइक, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।